RJ20 राइडर्स क्लब कोटा बॉन्ड ऑफ बाइकिंग ब्रदरहुड और हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। तो हेलो गाइज, आपका जोधपुर जैसलमेर टूर हो चुका है तैयार। आपके ऐसे सर की गाड़ी देख लिए, रेम्बो हो चुकी है तैयार, पूरी तरह से कंप्लीट है दौड़ने के लिए। यहाँ देख लीजिए आप, टैंक बैग कंप्लीट, यहाँ पर पीछे बैग और हमारे पैनियर्स वगैरह सब लग चुके हैं, दिख पा रहा होगा आपको बढ़िया तरीके से। तो बस आप बने रहिएगा इस पूरी सीरीज में, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत जगह हम जाने वाले हैं और सारी चीजें आपको दिखाएंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? बढ़िया सर, आप बताएं। तो जी हाँ, कैसे हैं आप सभी? तो आपको जैसे पता होगा कि आपके ऐसे सर और उनकी पूरी टीम RJ20 राइडर्स का प्लान बन रहा है जैसलमेर जोधपुर विजिट का, और आपको दिखाएंगे पूरे तनोत माता जी लोंगेवाला बॉर्डर सब चीज घूमने निकल रही है हमारी टीम। सुबह सुबह मीटिंग पॉइंट रखा था सरस मिल्क पार्लर, यहाँ पर हमारे राइडर्स इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ राइडर्स हमें आगे हाईवे से मिलेंगे और बाकी अभी किसी किसी का इंतजार हो रहा है। तो बस लोग आ जाएं, फिर हम निकलेंगे और बने रहिएगा क्योंकि इस पूरी सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है। एक एक जगह आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको एक एक जगह दिखाएंगे। और ये देखिए, ये हमारे वही एनफील्ड वाले जो एनफील्ड की जबरदस्ती गाड़ियां चिपका देते हैं लोगों को, ये वही है, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। और ये हमारे मानवेंद्र जी, ये देखिए आप मयंक जी, ये हमारे हीरो भैया, और ये हमारे दादाजी कहाँ गए? दादाजी वो देखिए पीछे से हाथ हिला रहे हैं दादाजी। तो ये हमारी पूरी टीम है और अभी कुछ टीम आ रही है। नहीं यार दादाजी मत बोलो यार, दादा बोलो, दादा दादा बोलो, दादाजी नहीं बोल रहा इनको। तो चलिए बने रहिएगा। ये मर्दानी का निशानी है, तुझमें है नहीं है। ये दादा किस चीज का बात कर रहा है? दादा बात कर रहा है, आज तेरे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी बात। चलो ठीक है, लड़का बड़ा हो रहा है। दादा बात कर रहा है मूंछों का, मूंछे दाढ़ी, ये सब मर्दानी का निशानी है। क्योंकि हमारे अभी जिन राइडर का इंतजार हो रहा था वो आ चुके हैं, तो बस अब निकलने की तैयारी है। और यहाँ आप दिखा रहे हैं कि सब चीज तैयार है, गाड़ी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा भी आप बोलेंगे रास्ते में, जैसी भी नीड होगी, गाड़ी में पैनियर लगे हुए हैं, पैनियर में सब चीज कंप्लीट है और देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों फ्लैग ऑफ हो चुका है हमारा और निकलने की तैयारी। RJ20 राइडर्स क्लब कोटा बॉन्ड ऑफ बाइकिंग ब्रदरहुड और हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। हेलमेट पहनना जरूरी है। RJ20 क्लब निकल गया है टूर ऑफ जोधपुर एंड जैसलमेर, 18 से 22 दिसंबर करने वाले हैं, मजे मचाने वाले हैं, धूम, बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों हमारे बाकी साथी तो निकल चुके हैं, बट हम किसी कारणवश नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जा रहे थे, कैंसिल हो गया था। बेसिकली हमको माउंट आबू जाना था किसी दोस्त के साथ, पर वो कैंसिल हो गया। तो फिर हमने सोचा चलो RJ20 राइडर्स हमारा जैसलमेर निकला हुआ है तो क्यों ना उनको जैसलमेर ही टच कर लिया जाए। और हम दोनों भी निकल गए हैं और ये देखिए हमारी दोनों की दोनों रेम्बो और उसका साथी तैयार है, देख सकते हैं आप बढ़िया तरीके से दोनों गाड़ियां पैक। और ये आपके ऐसे सर का शिवांशु अत्रे ब्लॉक्स दिख रहा होगा आपको इसमें, तो बढ़िया बने रहिएगा क्योंकि ये सीरीज बहुत बढ़िया होने वाली है, फाड़ू होने वाली है। आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे जैसलमेर, हमारा 700 किलोमीटर का रन होगा लगभग, क्योंकि बीच में हम काफ़ी जगह एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी जगह जाएंगे जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिएगा। मुझे जी आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई रुक रुक की कहाँ जा रहे हो, क्या है? बढ़िया एकदम, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया तरीके से टूरिंग के लिए तैयार। तो बस बने रहिए, देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम हाईवे पे जा रहे थे और ये हमारे भैया हैं सब, ये हमें मिल गए चाय नाश्ते के लिए, इन्होंने हमें रोक लिया है और बहुत बढ़िया तरीके से। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे मित्रों को? बढ़िया है, यात्रा शुभ मंगलमय, यात्रा मंगलमय हो कह रहे हैं ये, तो हमारी यात्रा मंगलमय होनी चाहिए। अभी हम लगभग 200 किलोमीटर चले हैं और आगे जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपको दिखाते रहेंगे। व्यूअर्स को हाय बोल दो आप सब। हाय। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं उम्मना जी, अभी यहाँ से 350 किलोमीटर और है हमारा सफर। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे बाबा का चमत्कार बुलेट, बाबा ये उनकी बुलेट और
ये हमारे भैया भाई। तो गाइस हमारे साथ ही बाकी लोग अभी निकल चुके हैं आगे जोधपुर से जैसलमेर के लिए। तो अब हमारा अगला पड़ाव होगा यहाँ से वाया जोधपुर, जोधपुर नहीं रुकेंगे हम, सीधे जैसलमेर निकल रहे हैं। तो आगे कहीं हाईवे पे उनको कैच कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही अपनी रेनबो तो दौड़ती है, तो जहाँ भी कैच करेंगे वो आपको बता देंगे और बाकी आगे का सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों जोधपुर कर लिया है हमने पार और अब लगी आई है थोड़ी भूख, पेट पूजा, और पेट पूजा के साथ आपकी और हमारी अपनी रेड बुल। चलने दीजिए रेड बुल को, खाने के साथ थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, क्योंकि आगे हमें अभी 250-300 किलोमीटर और जाना है। बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट मिला है रास्ते में, हम रुक गए हैं, देखिए कितना बढ़िया है। तो दोस्तों हम जहाँ आ रहे थे वहां तो अभी नहीं पहुंचे, पर बीच में हमारे साथीगण मिल गए हैं। ये सब ये खाना खा रहे थे अकेले अकेले, हमने इनको पकड़ लिया, पर अकेले अकेले तो क्या, अगर हम भी खाना खा के आ गए थे तो गलती तो हमारी ही, हम पीछे ही हो गए। और बस अब यहाँ से साथ साथ चलेंगे और बाकी 10 किलोमीटर पहले हमने क्योंकि लोकेशन आई नहीं थी और भूख लग रही थी तो इसलिए रुक गए थे हम। अब सीधे पहुंचेंगे जैसलमेर और वहां पर करेंगे कुछ, क्या करेंगे। तो दोस्तों हम जैसलमेर पहुंच गए हैं, हमने खाना वाना खाया उसके बाद निकले और यहाँ पहुंचते पहुंचते रात को 10 बज गई है, तो रास्ते का हम ज्यादा शूट कर नहीं पाए। कल सुबह निकलेंगे जैसलमेर एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया तरीके से। और ये देखिए इसके बाल कैसे हो गए। तो आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट करे बिना मत जाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करे बिना भी मत जाना। मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी क्या बल्कि कल ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं जैसलमेर को एक्सप्लोर करने, तो कल आप जैसलमेर के बारे में और देखने वाले हैं। तो चलिए बाय, बने रहिए।